एक तरफ है हार्ली डेविडसन की अभी तक की सबसे अफोर्डेबल मोटरसाइकिल, एंड वही दूसरी तरफ है हीरो की अभी तक की सबसे प्रीमियम मोटरसाइकिल। एंड मैंने इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स को ऑलमोस्ट हर एक राइडिंग सिचुएशंस में राइड करके देखा है और हर एक छोटी से छोटी चीजों को भी काफी अच्छे से ऑब्जर्व करा है। सो विच वन इज बेटर और वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल? हेलो राइडर्स, आई एम AJR, लेट्स फाइंड आउट द ट्रूथ। जब आप पहली बार इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स को सामने से देखोगे तो मैवरिक 440 ज़्यादा अच्छा दिखता है, वही साइड प्रोफाइल से हार्ली डेविडसन X440 एक बड़ी बाइक की तरह अपीयर होता है, कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा दिखता है। बट ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको मैवरिक 440 का थोड़ा स्पोर्टी लुक वाला नेचर पसंद आ रहा है या फिर हार्ली डेविडसन X440 का क्लासिक लुक। एंड लुक की तरह ही इन दोनों मोटरसाइकिल्स का रियल लाइफ फीलिंग भी अलग अलग है। जब आप X440 पर पहली बार बैठोगे तो ये कहीं से फील नहीं होगा कि हाँ ये एक सिर्फ नाम का हार्ली डेविडसन है, आपको प्रॉपर फील आएगा कि हाँ आप एक हार्ली डेविडसन बाइक पे बैठे हो। वही मैवरिक 440 पे फील नहीं होता है कि ये एक हीरो की मोटरसाइकिल है, क्योंकि इससे पहले हीरो में ऐसी कोई मोटरसाइकिल थी ही नहीं। ये एक स्पोर्टी नेचर की पावरफुल क्रूजर की तरह फील होता है। जिस तरीके से इसके हैंडल बार और सिटिंग पोजीशन को दिया गया है, बैठने के बाद एक कॉन्फिडेंस फील होता है, ऐसा फील होता है कि हाँ आप एक बड़ी बाइक पे बैठे हो। इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स का एग्जॉस्ट नोट भी इनकी लुक और फील की तरह ही सिमिलर है। हार्ली डेविडसन X440 का एग्जॉस्ट नोट डीप है जिसमें लो फ्रिक्वेंसी ग्रॉस भी है, जो सुनने में राइडर और पब्लिक दोनों को ही अच्छा लगता है। क्लासिक हार्ली वाले सिग्नेचर टोन भी मिल जाता है। एंड वही हीरो मैवरिक 440 का एग्जॉस्ट नोट आप बोल सकते हो कि ये एक यूनिक ब्लेंड है रेट्रो एंड स्पोर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स का, जिसमें हल्का हल्का X440 का भी टोन लगता है। बट अगर हीरो फ्यूचर में मैवरिक 440 के एग्जॉस्ट टोन की तरह और भी मोटरसाइकिल लॉन्च करता है तो इसका एक अलग पहचान बन सकता है। वेल, ये तो लुक्स और फील की बात हो गई जो हम सभी राइडर्स की अलग अलग पसंद होती है, बट व्हाट अबाउट द परफॉर्मेंस? अब देखो, यहाँ से चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैं तीन डिफरेंट राइडिंग सिचुएशंस की बात करूँगा, सिटी, हाईवे एंड ऑफ रोडिंग की, कि कौन कहाँ पे बेटर है। सो अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो हार्ली डेविडसन X440 को सिटी में राइड करने में ज़्यादा मजा आता है और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इसका डीप एंड लो फ्रिक्वेंसी ग्रोल्स वाला एग्जॉस्ट नोट। लोग बार बार पलट के देखते हैं कि कौन सी बाइक जा रही है और राइडर को भी फील होता है कि वो एक बड़ी बाइक को राइड कर रहा है। बाइक को मनूवर करना भी काफ़ी ईजी रहता है, काफ़ी अच्छे से मनूवर होता है, सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, चाहे वो पॉटहोल्स हो या स्पिल ब्रेकर। मैवरिक को भी सिटी में राइड करने में सिमिलर ही फील होता है, बट कंपेरेटिवली हार्ली डेविडसन X440 को राइड करने में ज़्यादा मजा आता है। वही हाईवे पे पूरी स्टोरी ही चेंज हो जाती है। मैवरिक 440 हर एक जगह हार्ले से बेटर परफॉर्म करता है, चाहे वो हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात हो, सस्पेंशन की बात हो, हैंडलिंग, इवन मैवरिक 440 की टॉप स्पीड भी हार्ले से ज़्यादा है। मैवरिक को एग्रेसिवली पुश करने पर 158 km/h तक की स्पीड अचीव हो सकती है, वही हार्ले मैक्सिमम 145 km/h तक ही जाता है। बट बात यहाँ स्पीड की नहीं है, उस पर जज नहीं किया जा सकता, बात है हाई स्पीड पे हैंडलिंग और स्टेबिलिटी की। जब मैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स को हाई स्पीड पर रन कर रहा था, हार्ले पे कभी कभी मुझे हल्का फुल्का डर लग रहा था, मतलब आप पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते। अगर रोड्स पे थोड़े से भी बंप आ जाते हैं तो हार्ले 100 to 120 km/h की स्पीड पे थोड़ा अनस्टेबल फील होने लगता है, जबकि मैवरिक 440 ईजिली क्रॉस कर लेता है, स्टेबल लगता है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो अगर आपको 100 to 120 km/h की स्पीड पर रिलैक्स मोड में क्रूज़ करना हो, जिसके लिए ये बाइक बनी है, वह मैवरिक 440 पर कॉन्फिडेंटली क्रूज़ कर सकते हो, हार्ले से ज़्यादा स्टेबल फील होता है। एक चीज़ मैंने और नोटिस की, दोनों ही मोटरसाइकिल्स 125 km/h की स्पीड पे फिफ्थ गियर में ही बड़े आराम से अचीव कर लेती हैं, मतलब एक बार भी ऐसा फील नहीं होता है कि मोटरसाइकिल को सिक्स गियर में डाल देना चाहिए। बट फिर भी आप मोटरसाइकिल को सिक्स गियर में डाल देते हो तो दोनों ही एकदम रिलैक्स मोड में चली जाती हैं। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली है, मैवरिक 440 को जब आप 120 km/h की स्पीड पे सिक्स गियर में राइड करोगे तो पावर फील होता है। मेरा कहने का मतलब है, जब आप एक्सेलरेट करोगे तो पुल होता है, जब आप एक्सेलरेट पुल करोगे तो रिस्पॉन्ड करता है। वही हार्ले डेविडसन X440 में सिक्स गियर पे मैवरिक से कम पावर फील होता है। अगर और भी सिंपल में बोलूँ तो हार्ले डेविडसन को फिफ्थ गियर तक राइड करने में काफ़ी मज़ा आता है, बट सिक्स गियर डालते ही बाइक की पावर थोड़ी फेड पड़ जाती है, वो फील नहीं आता। वही मैवरिक 440 पावर को भी मेंटेन करके रखता है। हाँ, इसमें भी पावर फेड होती है बट हार्ले से कम होता है। वेल, अगर आप ऑफ रोडिंग की बात करोगे
समथिंग लाइक दीज, तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स अपनी अपनी जगह पर बेटर परफॉर्म करते हैं, लेकिन सस्पेंशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। मैवरिक थोड़ा स्मूदर साइड पे फील होता है, वहीं हार्ले का सस्पेंशन थोड़ा स्टिफर साइड पे फील होता है। हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग के लिए दोनों ही मोटरसाइकिल्स कैपेबल हैं। एक चीज़ और है, जब मैं हार्ले से ऑफ रोडिंग कर रहा था तो 2-3 बार फ्रंट सस्पेंशन बॉटम आउट हो गया था। मतलब जब बाइक किसी बड़े पॉटहोल्स या पंप पे जाती है तो सस्पेंशन पूरे तरीके से कंप्रेस्ड हो जाता है, और कंप्रेस्ड होने के लिए जगह ही नहीं बचता, जिससे एक टक का साउंड आता है। ऐसा लगता है कि सस्पेंशन के दोनों पॉइंट आपस में टकरा गए हैं। जबकि देखा जाए तो हार्ले डेविडसन में यूएसटी फॉक्स है, और यूएसटी फॉक्स के बहुत कम चांस होते हैं कि वो बॉटम आउट हो जाए, क्योंकि वो स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी में ट्रेडिशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से ज़्यादा बेटर होते हैं, जो कि मैवरिक 440 में है। तो देखो, ये भी हो सकता है कि मैं जिस हार्ले को चला रहा था ये एक डेमो बाइक थी। मे बी ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है, या और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना और टेस्ट कर लेना अगर बाइक लेने का मूड बना रहे हो तो। मैवरिक में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, उसको भी मैंने सेम सिचुएशंस में ही राइड किया है। अगर कंफर्टेबिलिटी एंड माइलेज की बात करते हो तो दोनों ही बाइक में 28-35 kmpl के माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने मैवरिक 440 का माइलेज टेस्ट भी किया था, जिसमें मुझे 30 kmpl का माइलेज मिला था। आप वीडियो भी देख सकते हो, ऑलरेडी अपलोडेड है। और बात रहा राइडर कम्फर्ट का, तो दोनों ही बाइक बेस्ट हैं, बट मैवरिक 440 का प्रीमियम कम्फर्ट हार्ले से स्लाइटली बेटर है। तो देखो, मैं आपसे एकदम साफ साफ बोलूँगा, मैवरिक 440 पे भी मुझे उतना ही पब्लिक अटेंशन मिला जितना कि हार्ले पे मिला। बट लोग हार्ले डेविडसन के नाम को पहले से ही जानते हैं कि क्या है। लोग ऑटोमेटिकली ही जज कर लेते हैं कि आप एक बड़ी बाइक को चला रहे हो, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट मैवरिक के केस में लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, बताना पड़ता है कि हाँ, हीरो की बाइक है। तो बात एकदम साफ है, अगर आपको एक प्रैक्टिकल और वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल चाहिए, गो फॉर मैवरिक 440, क्योंकि इसकी हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस दोनों ही हार्ले से बेटर है, और प्राइस भी 60,000 कम है। बट अगर आप हार्ले डेविडसन के फैन हो, या अपने घर में अफोर्डेबल प्राइस में हार्ले डेविडसन को लेके आना चाहते हो, जस्ट गो फॉर इट। बाकी सारी चीज़ें मैंने पहले ही क्लियर कर दी हैं, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिया वो सेफ राइड। I see trees ripped from the ground, but nobody makes a sound.